बाप और बेटी का खेल खत्म हो गया हो तो आ जाओ हमारे फ्री फायर में पबजी बैन बजाओ रे अपना। सभी लोग कहते हैं कि तू इतना फ्री फायर क्यों खेलता है, सभी लोग कहते हैं कि तू इतना फ्री फायर क्यों खेलता है। तो सुन मेरे भाई, माना कि फ्री फायर ज्यादा खेलना बहुत गंदी बात है, लेकिन इसी फ्री फायर ने मुझे हंसना सिखाया है, दोस्तों से करीब रहना सिखाया है, सबसे अच्छी बात है घर में रहना बनता है। और इसको मैं इसके इसका हेड मारता हूँ तो कहीं यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब जरूर करें, 13.5 मिलियन हमारा टारगेट है, कर दो यार। ओके यहाँ भी बंदा है, क्या हेड लगेगा? ओ भाई मैंने ऐसे ही बोला था कि ओपी वाला हेड लगा, एकदम ओपी वाला सीन हुआ गाइस। तो यहाँ पे वीडियो को हम लोग करते हैं खत्म, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। सोलो वर्सेस स्क्वाड में हमने किया एकदम 20 किल के साथ ओपी वाला भुईया, तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गाइस। तो हे गाइस, टैग योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को टैग करो कि जो तुझे चाहे वो तुझे पाले, जो तुझे चाहे वो तुझे पाले, और पिछले महीने 150 रुपए लिए थे कब देगा साले, पैसे ले लेते हैं देने। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए ऐसे मेरे सपने भी। दिखा दो किसमें है कितना दम, कि दिखा दो किसमें है कितना दम, फ्री फायर वाले कमेंट में लगा दो आग और पबजी वाले लगा दो बम, और जो जीता वही है सिंह। पता है एक सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है? सच्चा दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देता, ना किसी के नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। अगर आपके जिंदगी में है आपका एक ऐसा सच्चा दोस्त तो उसको जरूर मेंशन करना। अगर कोई फ्री फायर में अपने आप को प्रो सोचते हो तो अपनी आईडी कमेंट में लिख दियो, कसम से जिंदा गार देंगे। ये फ्री फायर है दोस्त, इसको भूलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या पबजी 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 करते हो? सारा पबजी प्लेयर का मुंह तोड़ देंगे। अरे तुम हमारा एक प्रो बंदा मार के बता दो, हम फ्री फायर खेलना छोड़ देंगे। सिमरन, एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो। हाय। हाय। हाय बोला। हाय बोला। हेलो, नमस्ते सर, जियो कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। अबे तू अपना नमस्ते अपने पास रख और पहले ये बता कि नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा जियो का। जी सर, अभी सर्विस डाउन है सर, तो थोड़ा देर बाद प्रयास। अबे मेरे को तुम लोगों से बात ही नहीं करना, अंबानी से बात करा, अंबानी का फोन। बुरा ना माने तो एक बात बोलू? हाँ बोल। तेरी शक्ल कुत्ते जैसी है। अच्छा तू बुरा ना माने तो एक बात बोलू? नहीं भाई, मैं तो बुरा मान जाती हूँ। समंता बॉलर लगता है काफी फास्ट बॉल डालेंगे, काफी स्पीड में लग रहे हैं, और देखते हैं पीछे जा रहे हैं, काफी तेज बॉल डालेंगे, लगता है बहुत तेज बॉल डालेंगे, लगता है बॉल लेके नहीं भग जाए, बस बॉल लेके भग जाए। I love you। तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे हाँ बोलूं? चल निकल। I love you। तुम कौन? मैं वो ही हूँ जिसको तुमने कल प्रपोज किए थे, लेकिन अभी मैं वो नहीं हूँ जो कल था। ये सारे जुलम जाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो शाबाश मेरे शेर, बंदूकें बम हथियार लूट लाया रे तू, तो पुलिस को लूट लाया। सेल्फी लेने के चक्कर में सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ा नौजवान, पैर फिसलने से गिर के हुई मौत। I love you। तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे हाँ बोलूं? चल निकल। I love you। तुम कौन? मैं वो ही हूँ जिसको तुमने कल प्रपोज किए थे, लेकिन अभी मैं वो नहीं हूँ जो कल था। ये सारे झूलम झाल से खुजली खुजली खुज खुजली खुजली खुज खुजली खुजली खुज खुजले। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए, मैं बेचना शुरू करूं तो मुख्यमंत्री तो बना ही दोगे ना। गली में तो कुत्ता भी शेर है, ये ना सोच तुझे छोड़ देंगे, हमारे साथ बदतमीजी करी तो तेरा बायो डाटा खोल देंगे। और सुना आजकल ज्यादा हवा में उड़ते हो बेटा, हमें अकड़ मत दिखाना, नहीं तो हड्डियां और अकड़ दोनों तोड़ देंगे। रुपया पैसा ये सब मिला पली, पैसे की बात क्यों आती है? कौन है रे? हम लोग CID वाले, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी है।
तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अब दिल लगाना तो बहुत दूर की बात है, अब तुम किसी को मुंह नहीं लगाते। अब दिल लगाना तो बहुत दूर की बात है, अब तुम किसी को मुंह नहीं लगाते। जो इज्जत देगा उसको इज्जत मिलेगी, हम हैसियत देख कर सिर नहीं झुकाते। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी से चलती है, किसी दूसरे के सोच से नहीं। के चलो मान लिया के डॉलर हो तुम, फूटी कोड़ी हैं हम, और पूछती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अबे आशिक हैं, गुलाम थोड़ी हैं हम। ओ बेटे, ये तूने बिगाड़ा है मेरे को, गाली देना तूने सिखाया मेरे को। हाँ तो कभी घमंड किया मैंने? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। भाई तू उसको क्यों प्रपोज कर रहा है? क्योंकि ये कभी दिल नहीं तोड़ता। भाभी जी कुछ नहीं बोल रही है, गूंगी है क्या? मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उनकी नहीं हो तो मेरी बन जा, एकदम बेसर में है क्या? अरे भाई यही सब के लिए तू लोग बुलाते हैं यार, हमको उससे मतलब नहीं। सेटिंग कराओ नहीं तो खिलाओ, हमको कोई मतलब नहीं। बस ना मेरे सामने उसकी बात होगी और ना मैं उसकी बात करूंगा, कि ना मेरे सामने उसकी बात होगी और ना मैं उसकी बात करूंगा। उसे गिरगिट पसंद थे, मैं भी बदल के मुलाकात करूंगा। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए। हाँ दादा। हाँ नहीं कहते, लाना कुंजी कहते। अरे माना मेरा बाप राजा नहीं है, मगर पाला मुझे राजकुमार की तरह है। दुनिया में रहना अगर जंग है, इस दुनिया में रहना अगर जंग है, तो फिर होने दो, हम कौन से रावण से कम है। कि अब हिम्मत नहीं है फिर से दिल लगाने की, मैं टूटे दिल को सी करके आया हूँ। और मैडम जी थोड़ी सोशल डिस्टेंस बना लो मुझसे, एक तो मैं पैदाइशी बदतमीज और ऊपर से पी कर आया हूँ। भाई बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ हो जाए। बेस्ट फ्रेंड के लिए? हाँ भैया। कि एक के पहले आता है जीरो, एक के पहले आता है जीरो, शकल उनकी बंदर जैसी और डीपी जैसे हीरो। हाय। मैं नहीं पटूंगी। चिकन विंग, चिकन विंग, चिकन विंग, चिकन विंग, हॉट डॉग एंड बालोने, हॉट डॉग एंड बालोने, चिकन एंड मैकरोने, चिकन एंड मैकरोने, चिलर विद द होमी, चिलर विद द होमी। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं गरीब हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं माता जोल हूँ। रस को शायरी के अंदाज में प्रपोज। हाँ भैया। सुनो, लड़के पहनते जूते, लड़कियाँ पहनती जुत्ती, लड़के पहनते जूते, लड़कियाँ पहनती जुत्ती, कब से पटा रहा हूँ, अब तो पट जा कुत्ती। राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, मैंने तो छोड़ दिया, अब किससे लड़ी है? ए, जिससे भी लड़ी है वो बिल्कुल पड़ी है, तू साइड हट, पीछे तेरी दीदी खड़ी है। अरे राफ्ता राफ्ता देखो कि मैं जीऊंगा अपने तरीके से, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अपनी समझ रख अपनी जेब में, मुझे समझाने वाला मेरा बाप है अभी। ना शादियों में तीन तरह के नाचने वाले लोग होते हैं, पहले तो ये डीजे से, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि ये शादी में आए हैं शमशान घाट के तांत्रिक के पास। समय होगा, हर कुत्ते का दिन आता है, हर इस शेर की शाम आएगी, और मेरी फोटो संभाल कर रखना, तुम्हारे काम आएगी। दिल तो हम आपका भी चुरा सकते हैं, मगर मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है। ओए तेरे दोस्त तुझे धोखा क्यों नहीं देते? कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। बोर हो रहा हूँ, कोई अपने ब्रेकअप की कहानी सुना दो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा।